And let us take one example, which is on parallel resonance analysis. So the example is something like this. You are given a network with two branches. Okay. Here, this resistance is of 8 ohms. This resistance is of 8.34 ohms. Okay. ये जो इंडक्टेंस है इसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन दे दिया है आपको, कहा है कि जो इंडक्टेंस है इसका रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन है J6 ओम। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि L कितना रहा होगा, अगर ओमेगा दिया है तब निकाल पाएंगे। ओके, जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट। ओके, और जो ओमेगा है वो है 500 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा इज 500, ओके। सी इज अननोन, सी इज अननोन। आपसे ये कहा गया है कि अगर ये जो सर्किट है ये एट 500 रेडियंस पर सेकेंड रेजोनेंट है तो सी डिटरमाइन कीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी if the circuit is actually resonant at 500 radians per second or omega is equals to 500. Rest everything is given. Ye 100 de diya hai, everything is given. So how will you solve that? Aur fir baad mein pucha hai ki agar ye nikal liya aapne C ki value pata chal jaye, to fir bhai ye bhi bata dein ki ye jo current hai, ye jo supply current hai, wo kya hai? Because you know that supply current will be in phase at resonant condition, in phase with the supply voltage at resonant conditions. Tell you, let us try that. So how did we solve that when we were having a general RL notation for this circuit? Anyone remembers? So voltage. So actually branch pe ek voltage le lete hain. Exactly. So isko we will consider as some YL1, isko we will consider as some YC, let's say. Do you know that YL kya ho gaya tha? 1 अपॉन आर एल प्लस जे ओमेगा एल, करेक्ट। और जो वाई सी था व्हाट वाज दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, इट वाज लाइक दिस। और हमने कहा था कि जो वाई नेट होगा, ये जो वाई टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? वाई एल प्लस वाई सी। और फिर क्या किया था कि एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई क्या हो जाना चाहिए? जीरो, बस इतना किया था। तो ये सप्लाई वगैरह से अभी कोई लेना देना भी नहीं है। वी ओनली वांट टू फोकस ऑन दैट इमेजिनरी पार्ट इज सपोज टू बी गो टू जीरो। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशंस फॉर्मुलेट करनी है, तो पहले तो वाई एल निकाल लेते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी वाई एल? वाई एल इज गोइंग टू बी आर प्लस, ये तो वैल्यू ऑलरेडी जे ओमेगा एल दे दिया आपको, इट इज इक्वल टू हाउ मच? J6। तो इसे सॉल्व करके बताएं व्हाट दिस विल बी इक्वल्स टू। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसे रैशनलाइज कर लें तो 8 माइनस J6 अपॉन इट वुड बी 8² + 6²। थोड़ा सा एक स्टेप मिस किया, जैसे ए माइनस बी ऊपर गया, ए माइनस आई बी और ए माइनस आई बी का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 8 + J6 और 8 - J6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8² - J6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और जे स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 8² + 6² विच इज 8 - J6 upon 100। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम्स? बताएं, ये तो आसान है ना, एलसी वाईएल निकालना, हम इक्वेशंस पुट करेंगे ना, इसलिए वी नीड इट। नाउ कम टू वाईसी। YC एक वेरिएबल रह जाएगा। सी YC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये RC क्या दिया है आपको? 8.34, और ये हो जाएगा माइनस J अपॉन ओमेगा सी, करेक्ट। तो YC इज 1 अपॉन 8.34 माइनस J अपॉन ओमेगा सी, और ये पता नहीं है कि C जो है वो क्या होने वाला है, ओमेगा पता है,
ओमेगा इज 500 बट सी नहीं पता है. तो अभी क्या करते हैं, बाद में ओमेगा रख लेंगे. लेट मी कॉल दैट आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1 अपॉन 8.34 माइनस जे अपॉन एक्स सी. सॉरी whether I have to write it as 1 upon xc, नहीं, क्योंकि ये already ही xc होता है, तो jxc. Okay? So, जो yc हो गया हमारे पास, it is equals to 8.34 minus jxc. 8.34 minus jxc. इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि xc is given by 1 upon omega c. That's why, ये 1 upon omega c is xc, ये minus j के साथ multiply. इतना कर लिया. Fine? अब अगर आप इसे भी रैशनलाइज करें तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? वाई सी इज इक्वल्स टू 8.34 प्लस जे एक्स सी अपॉन 8.34 माइनस जे एक्स सी और 8.34 प्लस जे एक्स सी. तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 8.34 प्लस जे एक्स सी डिवाइडेड बाय 8.34 का स्क्वायर प्लस बताएं प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ yc क्या होगा? व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ yc? xc अपॉन 8.34 स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर. ओके, सिमिलरली अगर पहले पेज से देखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ yl क्या होगा? इसमें से इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? -6/100. तो इट वुड बी, नहीं, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूं तो यू जस्ट हैव टू टेक -6/100 क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं इमेजिनरी पार्ट. ओके, फाइन. अब इन दोनों का सम हैज टू बी इक्वल टू 0. इन दोनों का सम हैज टू बी इक्वल टू 0, यानी आप जानते हैं ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ y व्हिच इज एक्चुअली इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ yl प्लस yc हैज टू बी इक्वल टू 0 फॉर रेजोनेंस. दैट्स व्हाट आंसर. तो दोनों को ले लीजिए, यू टेक -6/100 प्लस xc अपॉन, आप वैल्यू निकालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.34 स्क्वायर? यस, आई कैन हियर द साउंड्स ऑफ कैलकुलेटर. 69.56. Okay, let me just take that or check that. 8.34 square is 69.56 plus xc square, and that has to be equal to 0. Correct. Fine. Ab aap isme se LCM wagera lenge. So it would be something like this. Main thoda sa aur solve karke dikhata hu. -6 times 69.56 plus xc square plus 100x is equals to 0. ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आया उसे 0 से मल्टीप्लाई करें. इसे ओपन करें, देखें क्या आ रहा है. व्हेन यू ओपन इट, 60 कितना है, 69.56 into 6. सो ये हो गया आपका -407.36 -6xc square प्लस 100, ये xc है, xc इक्वल्स टू 0. ओके, अगर आप माइनस एक तरफ ले जाना पसंद करें तो आई कैन राइट इट एज 6xc स्क्वायर माइनस 100xc प्लस 417.36 इक्वल्स टू 0. कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ xc? सॉल्व करके बताइए, एक वैल्यू निकालें. ये तो इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसा है, बस इक्वेशन विद डिग्री 2. सो यू हैव ए इज इक्वल्स टू 6, बी इज इक्वल्स टू -100 एंड सी इज इक्वल्स टू 417.36. तो इट इज गोइंग टू बी समवॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. टेल मी व्हाट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज. बताएं, बताएं,
solve this, 6xc square minus 100xc plus 417.36, or you can just take 417 or values batae. So your xc would be coming out to be something like 8.33 ohms. Is it true? Yes, you can find that using calculator. Now, because you know that xc is given by 1 upon omega c, so yahan se aap bol sakte hain that c would be equals to 1 upon omega xc. 1 upon omega was equals to 500, xc aap bata rahe hain 8.33. if you would find that value, you would get something like this, that your value of capacitance would be 1 upon 500 into 8.33, and that is nearly 2.4 into 10 to the power minus 4 farads, ya ise hum likh sakte hain 240 microfarads. So at this particular value of capacitance, your circuit will resonate at 500 radians per second. It is given, it is to be done like this. Fine. Done. So when we were getting this 8.33334, actually it was to be taken, it was coming out to be nearly 8.34. Now what will happen at resonance? Because आपसे दो चीजें पूछी गई हैं. पहली तो आपने ये निकाल दिया कि c की वैल्यू क्या होगी, और जो दूसरी चीज आपसे पूछी गई है वो ये है, जो दूसरी चीज आपसे पूछी गई है वो ये है कि करंट की वैल्यू बताइए जो is फ्लो हो रहा है वो क्या होगा. तो करंट इज सिंपल, यू फाइंड आउट व्हाट इज योर टोटल y रियल, क्योंकि रेजोनेंस पे तो केवल y रियल वाला बचता है. तो इट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट बताएं आप y का क्या होगा. यहां से yl का रियल पार्ट क्या आ रहा है, 8/100. इट इज 8/100 प्लस, अब देखें ये जो हमारा yc था, yc का रियल पार्ट क्या होगा, यू सी इट वुड बी 8.34 डिवाइडेड बाय 8.34 स्क्वायर प्लस ये जो xc आ रहा था. आप देखें xc क्या भी डिटरमाइन किया था हमने कैलकुलेटर से, इट वाज नियरली 0.33 समथिंग लाइक 33 का स्क्वायर. तो व्हेन यू वुड डू दैट, आप बताएं कि y नॉट टोटल कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नॉट टोटल. सो आई हैव 8.34 का स्क्वायर प्लस 8.33 का स्क्वायर and 8.34 divided by answer is 0.06 something. So aur plus karna hai mujhe isme 8/100. To ye aa gaya mere paas nearly, y naught jo aa raha hai wo aa raha hai 0.14. okay, y naught is coming out to be 0.14. okay, aur iski values hum jante hain whether it will be in ohms or in mohs, kyunki y hai. तो बताइए किसमें होगी वैल्यू, मोस में और या सीमेंस में. तो अब जो करंट है आप जानते हैं इट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू वाई नॉट, और वोल्टेज क्या थी, व्हाट वाज द वोल्टेज गिवन, 100 एंगल 0 इनटू वाई नॉट क्या है 0.14. तो करंट कितना आ गया, 14 एंगल 0 एम्पीयर्स. तो आपने देखा कि एट रेजोनेंस the voltage value is 100, current value is 14, both are in phase, there is no phase difference in between the two. Fine. अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ठीक है आपने I total तो निकाल दिया, okay fine, you determine I total is equals to 14 amps at resonance. Now determine what is IL. तो IL कैसे निकालेंगे, what is IL, you have to find that what is IL. बताएं तो वोल्टेज सेम है सारी ब्रांचेस के अक्रॉस, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज इज सेम. वोल्टेज क्या है इस ब्रांच के अक्रॉस, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज इज सेम, बिग पैरेलल में है ना 100. और इस ब्रांच का इंपीडेंस क्या निकाला था या एडमिटेंस क्या निकाला था आपने, यानी वाई एल क्या निकाला था. सो वाई एल अगर देखें तो नेट की बात होती है, आई एस और वी एस, जो ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस है, ड्राइविंग पॉइंट मतलब सोर्स का ही वोल्टेज और सोर्स का ही करंट, उनमें फेज डिफरेंस जीरो होता है. अंदर कोई भी फेज डिफरेंस उत्पन्न हो सकता है एट रेजोनेंस भी,
ऐसा नहीं है पूरे सर्किट में कहीं भी फेज डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी देखें आप, आपको फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यू डिटरमाइन व्हाट इज वाई एल। तो वाई एल अभी आपने बताया व्हाट वाज इट, आपने कैलकुलेट किया था इट वाज 8 माइनस जे 6 अपॉन 100 मोज। और इसको आप एट रेजोनेंट कंडीशंस मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वी से। तो वी इंटू वाई एल, इससे हमें क्या मिलेगा आई एल। बताएं आई एल क्या हो जाएगा, वी क्या था 100, तो 100 इंटू 8 माइनस जे 6 अपॉन 100। तो ये क्या वैल्यू आई, आई एल कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एल, 8 माइनस जे 6 एम्पीयर्स। अब बताइए जो सोर्स करंट है उसमें और जो इंडक्टर करंट है उसमें फेज डिफरेंस है। तो ये भी पूछा जा सकता है एट रेजोनेंस व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टर करंट एंड द सोर्स करंट। अब आप निकाल सकते हैं यहां से, उसका एंगल जीरो है, इसका एंगल क्या होगा, कैन यू फाइंड। तो अगर कॉम्प्लेक्स में इसको ले जाके सॉल्व करूं तो इट वुड बी आई हैव 8 माइनस 6 आई, ओके आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू आर थीटा। तो माइनस 36 डिग्रीज का डिफरेंस है, जो आई एल है वो माइनस 36 डिग्रीज पीछे है आई एस से, ओके okay? अब यहां आपको निकालना है कि भाई आई एस क्या होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आई एस नाउ। तो यू कैन यूज किरचॉफ्स करंट लॉ, सॉरी आई सी क्या होगा, आई एस तो निकाल ही चुके हैं, व्हाट वुड बी द करंट वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट टोटल करंट शुड बी इक्वल्स टू द सोर्स करंट। और टोटल करंट क्या था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट आई एस एट रेजोनेंस, 14 एम्पियर्स। आई एल अभी आपने निकाला है कितना है, 8 माइनस जे 6 एम्पियर्स। तो आई सी कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 माइनस जे 6, तो ये कितना हो गया, टेल मी व्हाट इट इज, वी 6 प्लस जे 6। अब इसमें देखें व्हाट इज द फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द, व्हाट इज द फेज, तो इसका अगर आप एंगल निकालें तो इट वुड बी 6 प्लस 6 आई, और इसको आर थीटा में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 8.48 एंगल 45, नियरली 45 डिग्रीज का एंगल। ओके तो यू हैव 45 डिग्रीज अहेड कैपेसिटेंस में, जो आपका करंट है वो 45 डिग्रीज अहेड है सोर्स करंट के, यू सी दैट। तो इस तरीके से आपसे ये सारी एनालिसिस करवा के देखी जा सकती है, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए, ओके। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अब बताइए कि आई एल जो कि आपने निकाला है 8 माइनस जे 6 और IC जो कि आपने निकाला है 6 प्लस J6, इन दोनों में बताइए कि फेज डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, 8 माइनस J6 एंड 6 प्लस J6, तो फेज डिफरेंस बताना है इसमें, ओके। सो व्हाट यू विल डू, आप इसका एंगल निकाल लीजिए और ये एंगल जोड़ दीजिए। So you can write this one as, let me just tell you, 8 minus 6i, answer to convert it into, so ye ho jayega aapka 10 angle minus 36.8, okay, aur ye abhi humne nikala tha, ye aa raha tha 8.48 angle 45 degrees, so aap agar 0 degrees ko reference maan ke chale, तो जो आई एल है वो 36 डिग्री पीछे है और जो आई सी है वो 45 डिग्री आगे है, ये 36 डिग्री पीछे है। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों में, दोनों का ऐड कर दीजिए ऐड, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस 36.8 डिग्री, इतना टोटल फेज डिफरेंस है बिटवीन आई एल एंड आई सी, और ये है आई एस। आई एस में कोई फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स वोल्टेज नहीं है। तो ये फेजर्स वाला अगर लेक्चर आपने मेरे साथ सीखा है वो तो शायद लाइव था, तो दिस इज ऑल्सो डूएबल, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम।
ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो पढ़ी थी वो सारी की सारी एक बार अप्लाई करके देखी. ठीक है, वी कैन हैव अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो बट दैट वी विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट क्लास. बट देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू बी डन ऑन दैट सर्फेस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी और एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क प्लीज. That's it from my side for today's class. Bataiye. Kanika, Akshat, Aman, Muskan. A few more. There is Anuradha, Anushka, Vashisht, Ashish, Garima. You want to ask us anything? The utter sheer silence actually. Put me in dilemma, and then I cannot determine whether I was able to convey what I wanted to convey or not. कहीं confusion आता है तो आप रोकते नहीं, पहली चीज. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ, आपको ये example समझ आया या नहीं? अच्छा इतना बता दीजिए, that would be easy. Was that very fast? Or it was fine? Could you understand the example? Yes, sir. Okay, at least one understood the example. Two, fine. तो बोलना पड़ता है आपसे कि ये चीज समझे. और देन दैट्स इट. इस पोर्शन में तो हमने सेकंड पार्ट में तो केवल एग्जांपल ही रखा था. तो अगर एग्जांपल समझ आ गया है देन वी वुड टेक 3-4 मोर एग्जांपल्स एंड बट दैट वी वुड टेक अप इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो आई वुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.